मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर काफी समय से हड़तला रेलवे स्टेशन के पास बंद पड़ी फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। मोहसिन, गुड्डू, संतू, अशरद नाम के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन शातिर बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, चाकू, ताला खोलने वाली मास्टर चाबियों का गुच्छा, लोहे की रोड सहित कई ऐसे सामान बरामद किए हैं जो इनके द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक ये अपराधी काफी शातिर हैं और इनके द्वारा काफी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के खिलाफ मुरादाबाद के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज भी ये बदमाश किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसकी वक्त रहते मुखबिर से सूचना मिल गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज ये प्रेस वार्ता कल शाम को हरतला स्टेशन के पास में जो हड्डी मिल है वहाँ खंडहर में चार लोग चोरी की प्लानिंग करते हुए पकड़े गए थे। उनके पास से चाकू और तमंचा और चाबियों के गुच्छे बरामद हुए थे और रॉड, जिस रॉड से सब गेट तोड़ने का काम करते हैं, ताले तोड़ने का काम करते हैं, उसके साथ में बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे। जो हमारे चौकी इंचार्ज और जो टीम थी उनकी, ये लोग शाम को चेकिंग कर रहे थे, इसी दरमियान ज्ञात हुआ कि ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जा करके इनको इन सामानों के साथ गिरफ्तार किया, जिससे एक भावी जो घटना हो सकती थी चोरी की उसको जो है रोक लिया गया। इसमें चार व्यक्ति, जो मोहसिन एक व्यक्ति है, एक गुड्डू है और एक संतू तथा एक चौथा व्यक्ति असद है, ये चारों थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और हरतला के आसपास के ही रहने वाले हैं। इससे पहले भी कोई घटना को अंजाम दिया है? इनसे पहले इन्होंने, इन पर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और विद्युत चोरी के भी मुकदमे एक आदमी पर दर्ज है।